हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वीजीए जीनियस क्लासेस। आई एम वाईसी राठौर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x -3x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए ए बी सी निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, तो हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो तो देखो, ये x² ये बी एक्स ये सी, यानी तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और बी इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है ना, तो यहाँ पर ये माइनस भी आएगा -3, सी इक्वल टू ये कांस्टेंट वाला पार्ट। ओके, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू b² - 4ac, ये हमें फाइंड करना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट इक्वल रूट निकलेंगे, और अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स निकलेंगे, और लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो b क्या हमारा -3² - 4 × 2 × 5, तो 3 3 = 9, 4 2 = 8, 5 = 40, यानी ये आ गया -31। तो ये लेस देन 0 है ना, यहाँ पर क्या होगा, डी लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, इसमें एक भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो नो रियल रूट्स, और रियल रूट्स अगर नो रियल रूट्स है तो डज नॉट एग्जिस्ट भी होगा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट करता तो हमें फाइंड करना होता, यहाँ पर फाइंड नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा, चलो सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट है 3x² - 4√3। 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0, तो इसे भी कंपेयर कीजिएगा। अब ये बार बार नहीं लगेंगे, ठीक है ना, तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू और सी इज़ इक्वल टू, ए हमारा 3, बी हमारा -4√3, सी है 4। ठीक है ना, अब डिस्क्रिमिनेंट डी इज़ इक्वल टू माइनस सॉरी v² - 4ac, तो वी क्या हमारा -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, कैंसिल हुआ, और 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना हुआ, 48। ओके, और 4 3 जा 12, 4 जा 48, यानी यहाँ पर 0 आया, डी इजकल टू 0 है ना। अगर डी इजकल टू 0 है तो यहाँ पर टू रियल टू इक्वल रूट्स निकलेंगे, यानी कि टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, और जब इक्वल रूट्स है तो हमें फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, देखो हमारा इक्वेशन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब या तो इसके फैक्टर कर लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x = -b + √b² - 4ac / 2a। ठीक है ना, तो माइनस बी, माइनस बी क्या हमारा -4√3, और प्लस माइनस √0/2 × 3, तो ये हो गया 4√3/6। ठीक है ना, इसे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 2 3 जा, और प्लस माइनस 0। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका x = 2/3√3, या ऐसा कर दो √3 से भी इसे कट कर दो, तो ये
जब रूट थ्री से कट करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा रूट थ्री, यानी कि ये बचेगा आपका टू अपॉन रूट थ्री और प्लस माइनस जीरो। देखो एक बार प्लस ले लो जीरो, एक बार माइनस, तो इनकी वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स इजिकल टू टू अपॉन रूट थ्री और टू रूट थ्री, ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, ओके, ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 2x² - 6x, 2x² - 6x+3 = 0। तो कंपेयर कीजिएगा, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 2, और b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू v² - 4ac, तो v क्या है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है 2 और c हमारा 3। तो देखो माइनस का स्क्वायर अभी बताया था, माइनस का स्क्वायर होता प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया आपका 12। अब 12, अब ये 12 क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि d की वैल्यू क्या निकली है 12, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया ना, और ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग निकलेंगे। अब इसको फाइंड कीजिए, तो फिर एक्स इजकल टू -v + -√v² - 4ac/2a। माइनस बी, बी क्या है माइनस, तो माइनस और ये -6 प्लस माइनस, तो v² - 4ac क्या निकला 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस √12 को देखो फैक्टर करो पहले, 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जा, यानी 2 का पेयर बना तो 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3/4। ओके, देखिए अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 6 से 2 कॉमन लिया 3 बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, यानी 3 + -√3/4, 2 से कट कर दो तो क्या आ गया, एक्स इजिकल टू 3 + -√3/2, ये हो गया 2, एक 3 + √3 और एक 3 - √3/2। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर टू इक्वल रूट्स हैं तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमारा 2x² + kx, 2x² + kx + 3 = 0। सबसे पहले तो हमें ए बी सी निकालना है। ठीक है ना, ए इजकल टू क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इजकल टू क्या हो गया 2, बी इजकल टू के, सी इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, दे हैव टू इक्वल रूट्स इफ इट हैज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, देन अगर इक्वल रूट्स है तो कंडीशन क्या होती है, डी इजकल टू 0, यानी v² - 4ac = 0 होता ना, तो क्या लिख देंगे हम, v² - 4ac = 0, तो ये हो जाएगा हमारा v, यानी कि k² - 4 इंटू a इंटू c = 0।
ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 2 8 3 या 24, ठीक है ना। अब 24 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, यानी 2 का तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24, ठीक है ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ओके, ये हो गई के की वैल्यू। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो के एक्स का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 में करो तो 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी देखो ए फाइंड कीजिए, ए हमारा क्या है, के एज इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2 के और सी इक्वल टू 6। तो अब कंडीशन वही लगा दो, इट हैज, इफ इट हैज 2 इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, बी इक्वल टू 0, यानी कि वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो बी क्या हमारा माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए क्या हमारा के और सी क्या है 6 इजकल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4k² माइनस, और इधर आपका क्या हो जाएगा, 4 4 6 24 k इजकल टू 0, ठीक है ना। अब देखिएगा 4k² इजकल टू हो जाएगा 24k, तो k से ये k कैंसिल हुआ, k इक्वल टू क्या आएगा, 24/4, 4 6 जा, k इक्वल टू क्या आ गया 6। ओके, ये हो गई k की वैल्यू। वैसे इसकी दो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे वो भी देख लो कैसे निकलेगा। चलो हम दोनों निकाल दे रहे हैं यहाँ पर वैल्यू। देखो अगर यहाँ से हमने 4k कॉमन लिया तो बचेगा हमारा k माइनस 6 इजकल टू 0, तो 4k इजकल टू 0 हो जाएगा, तो k इजकल टू क्या आएगा 0, और ये k माइनस 6 इजकल टू 0, तो k इजकल टू क्या आ गया 6। ये दोनों ही आंसर राइट है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेंथ हमारी ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि लेट ब्रेथ इजकल टू एक्स और लेंथ इजकल टू 2x और एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू वी, तो ये 800 दिया है, लेंथ कितना है 2x और ब्रेथ कितना x इजकल टू 800, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर और 800 को धर लिया, 800 इजकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन हमें पता करना है कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और नॉट एग्जिस्ट होगा तो नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो ए क्या होगा हमारा, ए एक्स उसका बी एक्स तो है नहीं, तो बी की जगह आएगा 0, सी की जगह -800, ठीक है ना। तो फाइंड मतलब नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी यानी बी क्या हमारा 0 स्क्वायर, यानी 0 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस
800, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 8 जा 6400, यानी ये डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, यानी डी ग्रेटर जीरो होगा, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, क्या निकलेंगे यार, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। तो मतलब ये पूछा है इज इट पॉसिबल, तो लिख दो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, सिचुएशन इज पॉसिबल, और पॉसिबल है तो हमें लेंथ ऑफ ब्रेड फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फाइंड करने के लिए फिर से वहीं से आ जाओ, हमारी कंडीशन क्या थी, इक्वेशन 2x² माइनस 800 इजिकल टू जीरो, तो 2x² क्या हो जाएगा 800, तो 2x² इजिकल टू क्या हो जाएगा 800/2, यानी 2 4 जा 400 आ गया, तो x इजिकल टू क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, x इजिकल टू प्लस माइनस 20, ठीक है ना। देखो नेगेटिव तो लेते नहीं क्योंकि साइड है तो वो पॉजिटिव ही होगी, यानी कि ब्रेथ हमारी क्या आ गई, ब्रेथ इजिकल टू हो जाएगा 20 मीटर और लेंथ हमारा हो जाएगा 2 × 20 यानी कि 40 मीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इज द पॉसिबल सिचुएशन, सॉरी इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48, ठीक है ना। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 है, दोनों का सम 20 इयर्स है, लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, दोनों का सम 20 है ना। अब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोला प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी कि 4 इयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन इयर्स वाज 48, यानी 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी एक्स माइनस 4, और 4 साल पहले इसकी क्या हो जाए 20 माइनस एक्स माइनस 4, और इनका प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होता 48। तो इसका पहले सॉल्व कर, एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा 20 में से 4 या 16 माइनस एक्स इजकल टू 48, ठीक है ना। एक्स का 16 में मल्टीप्लाई किया तो 16x, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x इजकल टू 48। अब देखो सबको राइट, पहले माइनस एक्स स्क्वायर 4x और 16x कितना हो गया प्लस का 20x माइनस 64 इजकल टू 48। अब सबको राइट मिल जा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 20x मेरा ऐड करो, 8 4 12 2 कैरी 1 5 4 5 और 6 11। अब यहाँ पहले हमें
चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए क्या होगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -20, सी इक्वल टू 112, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर -4ac। तो वी क्या है, -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4, अब डबल जीरो का डबल जीरो 400, 4 बन जा 4 और 4 टू जा 8, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी कि माइनस का 48 आया। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर d लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो होता तो नो रियल लोड्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, इट हैज नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स है तो ये कंडीशन, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो लो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन सिचुएशन इज नॉट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है तो फाइंड ही नहीं करना, क्लियर। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देख क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिएगा। तो क्या करना है, पेरीमीटर दिया 80 मीटर और एरिया 400 मीटर, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेट, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, लेट लेंथ, पेरीमीटर 80 मीटर एंड 400 मीटर स्क्वायर एरिया। तो लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग क्वेश्चन। और पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर हमारा 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी इजकल टू 80, ठीक है ना। तो l प्लस बी यानी कि l कितना, x प्लस वाई इजकल टू 80, x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाए 80 में हमने 2 का कर दिया डिवाइड, तो क्या आ गया 40। x प्लस वाई, अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, x इजकल टू, या ऐसे कर दो y इजकल टू 40 माइनस एक्स, एक इक्वेशन बन गई। अब एरिया क्या दिया है, यानी x इंटू वाई इजकल टू क्या होगा 400। तो जो x और y, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो y की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इजिकल टू 400। x का मल्टीप्लाई 40 में किया तो 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 400, इनको राइट में ले जाओ। तो देखो क्या हो जाएगा, 0 इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इजिकल टू 0। अब फैक्टर कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 400 आना चाहिए और प्लस करने पर 40, तो यानी 20 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400, और प्लस करेंगे तो 40 यानी 20 प्लस 20x प्लस 400 इजिकल टू 0। देखो अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में और एक्स में, तो माइनस 20x, और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और फिर 20 में किया और एक्स में किया तो 20x, और प्लस 400 इजिकल टू 0। तो एक्स कॉमन लिया तो क्या आएगा एक्स माइनस 20, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, 20 आ रहा और माइनस आ रहा, यानी माइनस 20 कॉमन आ रहा, तो क्या बचा एक्स,
प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचा, 20 का जरा डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 20 इजिकल टू 0। एक्स माइनस 20 कॉमन लिया, इधर भी आएगा एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0, एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0, एक्स इक्वल 20, और इधर एक्स माइनस 20 इजिकल टू 0, एक्स इक्वल 20, ठीक है ना। दोनों वैल्यू सेम है लेकिन अब हमें निकालना है लेंथ, तो निकल आई, ये क्या है लेंथ, लेंथ इजकल टू 20 मीटर, और हमें निकालना ब्रेथ। अब ब्रेथ कैसे निकालेंगे, जैसे ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 22 इजकल टू क्या 40 माइनस एक्स, ब्रेथ यानी कि 22 इजकल टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स, एक्स क्या 20, तो क्या हो गया 20 मीटर। यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी, क्लियर, ओके।